हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून सब दोपहर ही आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, पहला का नमस्कार, छोटे को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को कुशल मंगल, और हम लोग भी यहाँ पर कुशल मंगल। दोस्तों मैं मीना रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मीना फैमिली ब्लॉग्स के में। दोस्तों हम उत्तराखंड अल्मोड़ा से लेकिन रहते बैंगलोर में, तो अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बैंगलोर से। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी आफ्टरनून से, पीछे यहाँ पर बैठी है, देख रही है टीवी। मीठा सिंह ये है हमारे जैसे कर, तो मीठा खेलता है, दीदी रुलाती रहती है ना मीठा को, गंदी दीदी उसकी। और रावत जी अभी नहा रहे हैं, तो खाना पीना तो हो गया हमारा, लेकिन आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे दही बल्ले बनाती हूँ। अभी मैंने जो उसका बैटर है वो पीस के रख दिया है, बस तलना है मुझे। तो मीठा तो काम तो ऐसे करने नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। तो रो रहा है, बोले मेरे साथ बैठो। ये तो अभी फिलहाल देखते खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने बैटर पीस के रख दिया है दही बल्ले के लिए, तो इसको फटाफट से, ये तो मैंने फेंट दिया था अच्छे से, तो अब तल देती हूँ जब तक मिष्टी खेल रही है तब तक। फिर उसके पापा को बोलूँगी इसको देखना, और फिर मैं फटाफट से अपने काम निपटाती रहती हूँ। हाँ, ये है दले हुए उड़द और दली हुई मूँग का बैटर, उसमें नमक डाल दिया और थोड़ा सा मैंने डाला था धनिया मसाला, उसको फीट दिया अच्छे से। तो तल लेती हूँ कढ़ाई में। मेरे दही बल्लों के लिए ये बल्ले हो चुके हैं रेडी, और ये सब उसमें पड़ने वाली सारी चीज़ें भी रेडी हो गई है। ये है इमली की चटनी, ये है ग्रीन चटनी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है मैंने, ये सब रेडी है। मीठा भी उड़ गया और दही भी फिट के मैंने रख दिया फ्रिज में। तो रावत जी आज खाएंगे दही बल्ले, कैसे लगेंगे आपको, कैसे लगते दही बल्ले? पता नहीं, भाभी वाली लगी, होटल वाली, कैसे लगते हैं? बनाया नहीं मैंने पहले, पहले तो खाया था, सादी चीज में खाया, यहाँ नहीं खाया मेरे हाथ से, खाया था है, खाया था यार। तो कैसे बनाए थे? बहुत अच्छे थे लास्ट टाइम, और वहाँ भी तो बनाए थे देहरादून में भैया लोग का, अच्छे हो रहे थे। तो ऐसे मुँह से ऐसे सड़े हुए मुँह से कह रहे थे, याद नहीं आना तुम्हारा, तो वही है खाओ पियो पच गया तो फिर भूल जाओ। लाइव याद रहता है तुमको, है ना? लाइव याद रहता याद रहेगा नेक्स्ट टाइम, अभी याद रहेगा, फिर पच गया तो फिर भूल गए, फिर भूल गए और क्या है ना। मीठा सिंह को दीदी ले आई, क्या बात है, आज मौली सुना रही है अपनी सिस्टर को मीठे को, क्या बात है भाई। मीठा तो आज दीदी के साथ सो रहा है भाई, दही बल्ले हो चुके हैं हमारे रेडी, ये बिल्कुल डेकोरेट भी हो गए हैं अब सर्व करने के लिए। ये देख सकते हैं आप कितना टेस्ट लग रहा है। ये आइए अभी दोस्तों, आइए अभी हमारे साथ दही बल्ले खाइए यम्मी से। ये देखने में ही टेस्ट लग रहा है, तो खाने में अच्छे होंगे। यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का गेम्स, राजा बजी चोर सिपाही का, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब देखते हैं अब किसका क्या आता है, निशान मार गए लोगों ने, पता है क्या? राजा राजा हम सब अपनी पर्ची पर्ची देख रहे चुप चुप के, इस बार सही कंफर्म है, इस बार सही बताया, गलत होता है, गेम में आ रहा है बड़ा मजा, मुझे बहुत मस्ती चल रही है, पेट दर्द हो जा रहा है लोगों का, अमित भैया, और फोर्थ कौन है इसमें, बिना भाभी, और सबसे लास्ट में ये है चोर। ये लिखावट भी बता रहे हैं, लिखावट बता रही है, मस्त गेम आ लेकिन। ये यहाँ पे तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा बताया सब,
अपने पापा का फोन नंबर, वेरी गुड। तीनों बच्चों से बैठ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज योर नेशनल फ्लावर? नेशनल ट्री। व्हाट इज योर नेशनल एक्वाटिक एनिमल? उसने सही बोला, पता है, नेशनल एनिमल बोल दिया उसने। वेरी गुड। तीनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है हमारे, खेलते भी हल्ला भी करते लेकिन आंसर भी बता रहे हैं। वेरी गुड। जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा आंसर दे रही है, आउट ऑफ कोर्स आंसर बता दे रहे। व्हाट इज योर नेशनल फ्लैग कलर? ये डब्बा गोल होता हुआ। व्हाट इज योर नेशनल फ्लैग कलर? हां गंदा दो अभी। व्हाट इज योर नेशनल फ्लैग कलर? सही तो बोल रहा, वाइट। ऊपर से बताना है सीरीज वाइज। नो आलू व्हाइट कलर ऑरेंज वहाँ झंडा लगाओ जहाँ पे आप रहते हो। क्लास ये तीन डांसर आए हैं उत्तराखंड यूके से। यूके से सबसे अच्छा कौन कर रहा है? जज नहीं हो पा रहा यार बिल्कुल भी। हमारे तीन सुपर डांसर उत्तराखंड यूके से आए हैं और भाई यार बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं यार ये तो। वाह भाई वाह वाह, सुपर आरु, सुपर विशु, सुपर मानी, अच्छा डांस कर रहे यार तीनों। वाओ विशु अलग ही कर रहा है भाई बिल्कुल। वाह भाई एक्सप्रेशन देखो भाई फेस की, गजब। विशु सीरियस नहीं होना बिल्कुल, गजब भाई गजब भाई। जज करना मुश्किल है भाई, तीनों फर्स्ट हैं। जज करना मुश्किल है? जज बैठे हैं हमारे यहाँ पे, जज बताएंगे। जज भी कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ से कि कौन बेस्ट कर रहा है यार, तीनों सुपर कर रहे हैं यार। वाव भाई साहब। तो कल हम ब्लॉग एंड नहीं कर पाए क्योंकि कल हो गया था बहुत लेट नाइट में, मिष्टी मानी भी सो गई थी और मिष्टी भी सो गई थी, मानी भी सो गई थी, दोनों सो गए थे। गंदे बच्चा ये देखो, ये है गंदे गंदे बच्चे। और रावण जी कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या बोलना, कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं थक गया। मानी से बोल रहे हैं, कुछ कुछ आ रहा है उनको, पता नहीं, मानी कुछ गंदे गंदे काम कर देती है। मानी ने भी कल खूब इंजॉय किया और हम लोगों ने भी खूब मिल के इंजॉय किया, खूब मस्ती मारी है ना मानी, मजा आया। गर्मी लग रही। चलो दोस्तों ब्लॉग को भी कर लेते हैं एंड। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो तब तक दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो दोस्तों बाय बाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।